अरे क्या कहें कि पहले विरोध, इतना विरोध कि लात घूसे तक चले, कुर्सियां फेंकी गई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद निर्विरोध, इसे क्या कहेंगे, चमत्कार। इसको कहेंगे लोकतंत्र की ताकत। ये डर जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में भी देखा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो पार्षद है वो टूट के वहां चले जाएं। आम आदमी पार्टी को किसी भी बात का डर नहीं था। क्या कूड़े का पहाड़ जो है वाकई पहाड़ साबित हुआ विपक्षी पार्टियों के लिए? तीनों कूड़े के पहाड़ दिल्ली में से गायब हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी कहती है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो रेवड़ियां बांट रही है। जिसको ये रेवड़ियां कह रहे हैं, ये दिल्ली की जनता का पैसा है। अब ये जनता के पैसे जनता पे ही लगने चाहिए। तो वो सियासत है, विरासत में मिली है, जनता के बीच में रहना, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझना, वरना आज मैं हैट्रिक नहीं करता। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, जिम्मेदारियां और बढ़ गई है, उम्मीदें भी बहुत बढ़ गई है। अब देश की मांग बन गई कि अरविंद केजरीवाल अब देश की डिमांड हो चुके हैं। 2024 में ये पूरा जो विपक्ष है, क्या अपने आप को मजबूती से ले जा पाएगा? देखिए, तमाम देश की लाइट माइंडेड पार्टीज, सेकुलर फोर्सेस को साथ आना चाहिए। अभी पहले एक साथ कंधे से कंधा मिला के चले। रूबरू में मिलिए दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल से, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर।